आज हम लोग बनाने वाले हैं चावल का दो तरह का पिट्ठा, एक दाल का एक नारियल का, जो कि बहुत टेस्टी भाप से बनता है, बहुत हेल्दी होता है और सबको एक बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन हम एक अच्छा तरीका बताएंगे जो किसी भी वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम प्रगति। जो लोग नए हैं मेरे वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम लोग इसमें 5 कप राइस लेंगे, आप लोग अपने हिसाब से जितना बनाना है उतना राइस ले सकते हैं। 5 कप लेंगे और उसको अच्छे से धो लेंगे 2 पानी से, और उसको 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। उसके बाद लेंगे 3 नारियल, उसको अच्छे से फोड़ के और उसका ऊपर वाला कवर को अलग कर लेंगे। पहले हल्के हल्के हाथ से ना चारों तरफ मारिएगा, उससे क्या होगा ना कि आप लोग को नारियल कवर से हटाने में इजी पड़ेगा। हम 3 नारियल लेंगे, आप लोग अपने अनुसार ले सकते हैं, और सबको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बारीक वाला जो रहता है ना, उसमें एक मोटा रहता है एक छोटा वाला रहता है, तो छोटे वाले से ग्रेट करिएगा। अब चना भिगाया हुआ था 3 से 4 घंटा चना दाल, उसको लेंगे और उसको भी ग्राइंड करेंगे। तो पहले चना दाल लेंगे, 2 कप चना दाल भिगोया हुआ है। फिर कुछ लहसुन का कलिया लेंगे, अदरक लेंगे और हरा मिर्च लेंगे। अदरक को ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लीजिएगा, जिससे पीसने में इजी होगा। और हींग लीजिएगा अपने अनुसार, 1/2 स्पून हींग लिए हैं। और उसको देखिए कैसा ग्रेट करना है, एकदम थिक ग्रेट करना है, एकदम पतला नहीं, हल्का थिक होना चाहिए। अब इसमें नमक हल्दी डाल के, नमक वाला वीडियो नहीं शूट कर पाए, साइड रख देंगे। अब देखिए चावल जो है वो अच्छी तरह से फूल गया है 3 घंटे बाद, तो उसको बहुत पतला ग्राइंड कर लेंगे एकदम। हल्का हल्का पानी देके एक बार चलाइएगा, फिर थोड़ा पानी दीजिएगा, फिर चलाइएगा, और देखिए कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, एकदम फ्लूइड कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में पानी लेंगे, हल्का सा नमक और तेल लेंगे, और सारा थोड़ा थोड़ा करके चावल को डाल लेंगे। आप लोग 2 बार करके भी कर सकते हैं, एक बार में करने से ना थोड़ा ताकत लगता है हाथ से, बहुत कोई एक बार में नहीं कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और जब डालेंगे ना तो फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगा और लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाना है, देखिए कैसे गुठली बनने लगा है। नीचे की ओर लगातार नहीं चलाने से वो बैठ जाएगा, इसलिए लगातार चलाने का जरूरत है। देखिए कैसे धीरे 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 ठीक हो रहा है। अब फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखिएगा। धीरे धीरे ठीक हो जाने के बाद चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है।
नीचे से जब देखिए कढ़ाई हल्का हल्का छोड़ने लगा, हाँ अब डो बनके तैयार है। तो इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब नारियल का फिलिंग्स तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें देसी घी लेंगे। उसमें थोड़ा सा आलमंड्स लेके सेल्फ फ्राई कर लेंगे। पांच से दस देखिए हल्का सा चटकने लग गया है, बस निकाल लेना है। अब नारियल डालेंगे ग्रेट किया हुआ। ये पानी वाला नारियल है। चलाने के बाद हल्का सोना सोना खुशबू आने लगेगा, तो फिर इसके ऊपर गुड़ का पाउडर डाल दीजिएगा। आप लोग पूरा गुड़ को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, हम पाउडर डाल रहे हैं। तो 8 से 10 चम्मच गुड़ का लग जाता है, गुड़ का पाउडर का। थोड़ा थोड़ा करके डाल के चलाते जाइएगा। अब जो आलमंड्स को सैलो फ्राई किए थे उसको चॉप कर लिए है, उसको डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा किशमिश, जितना आप लोग खाते हैं उतना, नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। और हल्का सा इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर भी डाल दीजिएगा, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो नारियल का फिलिंग्स देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। इसका लड्डू भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए डो जो था चावल का, उसको ऐसे छोटा छोटा पेड़ा में कट कर लेंगे और उसको ऐसे दबा के बीच में उठा के कटोरी बनाना है। उसमें ऐसे दाल वाला भरेंगे, ऐसे ही रिपीट करते रहना है। मेरे को थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो गया है, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा। अरे थोड़ा अभी वीडियो नहीं बना पा रहे थे तबीयत खराब के कारण। ऐसे कर करके सारा पीठा को फिल कर लेंगे। देखिए दाल का पीठा बन के रेडी। अब नारियल का फिलिंग्स वाला बनाएंगे। ऐसे करके ऊपर से हल्का हल्का दबा देना। अब एक इडली बनाने वाला साँचा लेंगे, उसमें पानी को बॉईल कर लेंगे और 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें ऊपर कंटेनर रख के और सारा पीठा को उसमें डाल देंगे, एक तरफ दाल वाला एक तरफ नारियल वाला, और ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 20 मिनट के बाद कितना अच्छा बन गया है। और जिसको नहीं समझ में आता है कैसे बनता है, तो ऐसे पानी में डाल के रखिएगा, नीचे का सतह जो है अपने छोड़ देगा, पूरी तरह से ऊपर तो नहीं आएगा लेकिन हल्का ऊपर तैरने लग जाएगा। तो समझिए आपका पिठा बन के तैयार है। तो खाइए और इन्जॉय कीजिए, और आप लोग भी बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।